हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं जे क्वेरी का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगेन दो सेलेक्टर जिसका नाम है ग्रेटर देन एंड लेस देन सेलेक्टर, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमें वहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन सेलेक्टर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में और देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज करेंगे इन सेलेक्टर्स। तो हम लोग आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और यहाँ पर हम लोग एक फाइल बनाएंगे, नाम देता हूँ मैं क्या, इंडेक्स 6.html। और यहाँ पर मैं html का कोड जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा cdn निकाल करके रख दूंगा, ये रहा सीडीएन। और यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट ट्रीटमेंट भाई आईडी भी रख देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे मैं लिखने में ऐसा कुछ, ठीक है। देखिए तो आप सपोज करिए कि अगर हमें अब लेस देन ग्रेटर देन का अगर हमें यूज करनी हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। सपोज करिए कि हमें यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया क्या पैराग्राफ लिया और यहाँ पर दिया क्या P1 P2, P3, 4, 5, 6, 7 कर दिया मान लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। अब सपोज करिए कि मुझे इस पैराग्राफ को टारगेट करनी है और उन सारे को मुझे ब्लॉक करनी है जो कि सपोज करिए 4 से बड़ा हो, ठीक है। यानी कि और जो देखिए जो भी हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन हम लोग सेलेक्टर की बात कर रहे हैं वो इंडेक्स बेस पर चलता है, ठीक है। यानी कि जो नंबर आप लोग उसमें हम लोग मेंशन करेंगे उससे बड़ा या छोटा आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए डॉलर और किसको करना टारगेट हमें पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद क्या कॉलम और क्या करनी हमें स्पेस देने की जरूरत नहीं है, कॉलम और कॉलम के बाद क्या हमें लेस देन या ग्रेटर देन, मान लीजिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या ग्रेटर देन ब्रैकेट, ठीक है। इसमें आपको एक नंबर देना होगा, ठीक है, वो इंडेक्स बेस होगा। मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं 4, तो 4 इंडेक्स है, यानी 4 इंडेक्स से बड़ा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इससे बड़ा, यानी कि P6 और P7 हमारा क्या .css अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो उस पर अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। डॉट अब यहाँ पर करते हैं क्या BSC के बैकग्राउंड और यहाँ पर दे दिया मैंने क्या ग्रीन, ठीक। चलिए देखिए इसको हम क्या करते हैं राइट क्लिक और कॉपी पाथ ब्राउजर ओपन करते हैं, पेस्ट, देख लीजिए P6 और P7 हमारा क्या हो गया ग्रीन हो गया। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कर देंगे क्या चीज P, मान लीजिए आपने कर दिया क्या P3, तो क्या अब यहाँ पर P5 वाला भी हो जाएगा, देख लीजिए P5 वाला भी आपका क्या हो गया यहाँ पर ग्रीन हो गया, ठीक है, ठीक। इसी तरीके से अगर आपको लेस देन करनी होगी तो क्या करेंगे, अगर लेस देन करेंगे तो कॉपी पेस्ट LT यूज करना होगा, LT, ठीक है। तो लेस देन 3 यानी कि 0, 1, 2, ठीक है, देख लीजिए, देख लीजिए वाला भी हमने बंद नहीं किया, क्या ये बंद नहीं किया, इसको कमेंट कर देते हैं। लेस देन 3 यानी 3 इंडेक्स, ये देखिए ये जो 3 है ये इंडेक्स है, यानी कि 3 इंडेक्स से कम, यानी कि 0, 1 और 2 यानी कि P3 तक होगा, देख लीजिए P3 तक हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा आपका बड़ा टास्क ये परफॉर्म कर दे रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसी सिचुएशन में, मान लीजिए कि आप टेबल बना रहे हैं, टेबल में आपको लग रहा है कि कुछ रिकॉर्ड को आपको उस पर कोई क्लास वगैरह कोई सीसेस वगैरह कोई स्टाइल वगैरह आपको अप्लाई करनी है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए हम अगर आपको दिखाते हैं, मान लीजिए एक हम टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर क्या हो जाएगा TR, टेबल का हम दे देते हैं बॉर्डर ताकि सही रहेगा, BORDER बॉर्डर में दे दिया मैंने क्या 1, ठीक है। इस TR के अंदर TH लिया, यहाँ पर दिया क्या ID, TH लिया यहाँ पर देता हूँ मैं क्या नेम, TH लिया और यहाँ पर देता हूँ मान लीजिए क्या
ये दे दिया सब कुछ के लिए, बस तीन ही चीज़ लेते हैं हमें, ज़्यादा चीज़ नहीं। ठीक टी आर टी डी में दिया क्या वन, टी डी में दिया क्या ए जे ई, टी डी में दिया क्या मान लीजिए दे दिया 26। ठीक है इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके फटाफट 2 3 4 5 6 7 कर दिया मान लीजिए, तो ये एक था दो, यहाँ पर करता हूँ कैसे ये देने चंदन, यहाँ पर 36 कर दिया, तीन अजय कर दिया, चार के पंकज कर दिया, ठीक है पांच कर दे रहा हूँ, इंजीत कर दिया 36 कर दिया, इसको मैं 6 कर दे रहा हूँ, इसको मैं पी ए डब्ल्यू फॉर्म कर दिया, इसको मैं 7 कर दे रहा हूँ, यहाँ पर समीर कर दिया। ठीक है तो ये हमारा कुछ रिकॉर्ड बन गया। अब मैं चाहूँ अगर इसका आप आउटपुट पर देखिए, आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है मैं चाहता हूँ कि जो पंकज है ना यहाँ से ये सब क्या बैकग्राउंड कलर इस पर हमें अप्लाई करनी है। ठीक है तो क्या करूँगा मैं, पंकज कहाँ पर देखिए एक टी आर दो मैंने 0 1 2 3 3 के बाद, थ्री के बाद यानी कि ग्रेटर देन में अगर हम लोग थ्री डाल देंगे ये वाला, ठीक है लेकिन अब हमें यहाँ पर P को नहीं करनी है टारगेट, हमें किसको करनी है टी आर को हमें टारगेट करनी है। ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग टी आर, ठीक देख लीजिए तो रिफ्रेश करिए, देखिए हो गया टारगेट, बहुत सिंपल कितना सिंपल है। ठीक है अगर हम लेस देन करना चाहें तो भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट, अगर हम यहाँ पर लेस देन थ्री कर दूंगा मैं, ठीक है ये भी हो जाएगा देख लीजिए एजेंसी में आ गया। ठीक है इस तरीके से आप कहीं पर अगर आपको लेस देन ग्रेटर देन अगर आपको यूज करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है पिछले वीडियो में मैंने बताया था इक्वल टू का, ठीक है कि अगर अगर इक्वल टू अगर इतना हो तो उस पर वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है तो आई थिंक सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल इसी तरीके से और बढ़े, ताकि हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए नए नए वीडियो डेली बेसिस पर अपलोड करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।